बेटे की जुदाई में निढाल, आंखों में आंसू और दिल में बेटे की वापसी की आस। आकाश की दुखियारी मां की बाजियाबी के लिए फरियाद। वीडियो पैगाम में कहा कि आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। गरीबों की मदद करता है, मुल्क के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। अदालत, जजेस और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है कि मेरा बेटा वापस दिलवाएं। आकाश मुझे बहुत याद आता है, मेहरबानी करके मेरा आकाश मुझे वापस करें। जज कोर्ट रूम इतना जो मुसलमान है मुझे बचो हिंदू आ पर आए तो जो कोन पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो ताजी मेहरबानी थिंदी वडी इतना जो मुसलमान है मुझे बचो हिंदू आ पर आए तो जो कोन पाकिस्तानी मुझे पुट आकाश मुखे वापस कयो मुखे कल का डाडो याद तो अचे मुझे बचो सुबह जो 6 बजे इंदो आ मुखे उठा दींदो आ मुझे बचो कल का ना आयो मुझे बचो कल का ना आयो 8 बजे हम सो रहे थे, मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मा आकाश को कोई उठा के लेके चला गया है। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे का पता नहीं लगा है। मेहरबानी करके मेरे बेटे का पता लगाओ, मेरा बेटा कहाँ है, आखिर क्यों उठाया गया उसको, वो बेगुनाह है, मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, वो बेगुनाह है, मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, मेहरबानी करो मेरा बेटा मुझे वापस करो, कल से मेरा बेटा घूमे। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में, कौन सा हमारा कसूर है। मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है, मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए। वो तो हमेशा गरीबों की मदद करता है, गरीबों के लिए काम करता है, फिर क्या कसूर है मेरे बेटे का। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जुल्मों बर्बरियत की इस दास्तान पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तज़ियाकार समी इब्राहिम साहब ने। समी साहब, क्या कहेंगे, बोल का आखिर जुर्म क्या है, क्यों बोल को इंतकामी कार्रवाइयों का मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, एक जुल्म की दास्तान है। इससे पहले हमारे जो चेयरमैन थे, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं नबील जकूरा, उनको अगवा किया गया। वो हमने पूरा सारा उसका आप गाड़ियों नंबर हर चीज़ हमारे पास है, हमें पता है कि वो क्या, वो भी किसी मुनासिब वक्त हम कर देंगे। फिर रोका गया गाड़ियों पे, हमारे जो मार्केटिंग के लोग हैं, हेड हैं, इनको कारसाज के नज़दीक बोल के इर्द गिर्द गाड़ियाँ चक्कर लगाती रहीं, शुएब शेख साहब के घर इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहीं, डराने धमकाने का सिलसिला जारी रहा। और अब इनको सुबह इनके घर में घुस के, यानी मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा हुआ हो कि किसी मीडिया के बंदे को इस तरह घर में घुसकर उसको घसीट कर ले गए हों। और साथ में ये 4 और खानदान हैं जिन पर ये कहर टूटा है, खानसामा है, चौकीदार है, एक 75 ईयर ओल्ड बेचारा चौकी जो नीचे चौकीदार है बिल्डिंग का, वो शुगर का मरीज है। अब हर घर परेशान है, तमाम लोग जो है परेशान है, हम बोल फैमिली जो है वो परेशान है। और इसमें एक जो ज्यादा अजियतनाक चीज है वो ये है कि मैं अभी उनकी वालदा का सुन रहा था, आकाश जो है वो उसका ताल्लुक हिंदू बरादरी से है, बड़ा पक्का पाकिस्तानी है, मिनोरिटीज के साथ हमेशा एक ऐसा एक सिलसिला रहा है जिसमें पाकिस्तान में आवाज़ें बुलंद होती रही हैं। अब उनको उठा लिया गया है। वो उनकी वालदा को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि वो एक अच्छा सच्चा पाकिस्तानी है, कितना कुछ किया उसने पाकिस्तान के लिए, और वो मुसलमानों से अल्लाह का वास्ता देके, अल्लाह का नाम लेके वो अपील कर रही थी कि मुझे मेरा बेटा वापस आप दे दें। वो एक सच्चा पाकिस्तानी है। और आप क्या इमेज पाकिस्तान का इस वक्त बना रहे हैं बाहर, मिनोरिटीज के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आकाश जो है वो उसका ताल्लुक हिंदू बिरादरी से था, और वो पाकिस्तान के लिए उसका उतना ही दिल धड़कता है जिस तरह किसी मुसलमान का दिल धड़कता है। बड़ी और एक चीज जो एक सवाल आपने भी किया और शुएब शेख साहब को मैं सुन रहा था, बोल ने किया क्या है, हम विक्टिम है,
इतने हमारे लोगों के खिलाफ पर्चे, इतने हमारे चैनल्स को बार बार इस तरह बंद करना, हम बताएं हम क्या पाकिस्तान के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा कोई ताल्लुक है किसी तंजीम से जो पाकिस्तान के दुश्मन है, या हमने कोई पाकिस्तान के खिलाफ को बात की है? हम तो एक सिर्फ कानून और आइन के तहत जो चीज है वो दिखा देते हैं, हम किसी को चैलेंज नहीं करते, किसी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते। यहाँ पे जो लोग ताकत के मेहवर हैं वो उनकी ताकत, उनको मुबारक। हमारा, हम तो एक मीडिया आउटलेट हैं, और जो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत इस बात की पाबंद है कि लोगों को तस्वीर के सारे रुख दिखाने हैं, और उसकी वजह से हम सब करते हैं, हमें, हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया है, या खुदा ना खास्ता आइन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान की क्या खिलाफ वर्जी की है कि हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है और पर्चे किए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। बहरहाल अरबाब बहुत ही अफसोसनाक है, और मैं उनकी वालदा की जो बात सुन रहा था तो बहुत ही दिल जो है वो दुखा, और जो मतलब वो कह रही थी कि वो हिंदू जरूर है लेकिन वो एक सच्चा पाकिस्तानी है, और अल्लाह का वास्ता दे के मुसलमानों से वो ये कर रही थी अपील कि उनको आप छोड़ दें। बड़ा ही दिल दुखाने वाली, यकीन करें, जिसके घर में भी औलाद है, जिसके जो जो भी कोई फैमिली वाला है, दिल दहल जाता है जो ये मैं जो उनकी जो मैं अपील सुन रहा था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब गुफ्तगू करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे दो केस हो नहीं सकते भाई, मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार, भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म, अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।